बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम, खुश आमदीद ऑन माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले जी आप सबको गुड मॉर्निंग। सुबह के 8 बज चुके हैं और आज घर को वापसी है जी हमारी। आज वापस चले जाएंगे, लेकिन वापस जाने से पहले मुलाकात करनी है राशिद भाई से। राशिद भाई कल मसरूफ़ थे, मैंने कल ही मिलने जाना था उनसे, लेकिन वो कल मसरूफ़ थे तो इसलिए कल फ़ोन पे बात हुई थी। तो अभी मैं जा रहा हूँ राशिद भाई के घर, राशिद भाई से मुलाकात करके तो फिर वहाँ से अपने घर वापस जाना है। तो आज की वीडियो जी आपके साथ शेयर की जाएगी, इंशाल्लाह आपको वीडियो पसंद आएगी। और अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो काइंडली सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट ऑल द नोटिफिकेशन ऑफ माई न्यू वीडियोज़। थैंक यू। और आज का मौसम जो है वो कुछ ऐसा है, सुबह से ना बादल बने हुए हैं, मौसम बिल्कुल ठंडा है, धूप नहीं निकली। ये देख लें जी आप, ये जी हमारी गुड़िया जैनी। रात को हम वापस आ गए थे मामू के घर से, लेकिन जैनी रुक गई थी इधर। हाँ जी आ गए वापस, आ जाओ, चलो आओ आ जाओ आ जाओ। ये मामू लोगों के ना नेबर्स हैं, उनका घर है। तो ये दरवाज़े पे ना देखें कितने खूबसूरत फूल लगे हुए हैं। अब मुझे नाम नहीं पता कि ये जो फूल हैं, मतलब ये दरख्त कौन सा है। अगर आप में से किसी को पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। राशिद भाई के घर आ गया हूँ जी मैं। ये राशिद के बड़े भाई हैं जायद भाई, ये उनका बेटा है जैन, और ये इससे मिले जी, ये उनकी छोटी बेटी है हिरा। हिरा हाय बोलो सबको। हाय। नहीं ऐसे ऐसे हाय। इन इलाकों के ना जो रोड्स बने हुए हैं ना, अब ये मोहल्ला है छोटा सा, तो घर के सामने से मेन रोड गुजरता है, तो मेन जो रोड्स हैं वो तारीफ़ के काबिल हैं जी। राशिद भाई नया रोड बनाए जी, ये नया रोड, ये हैं जी हमारे राशिद भाई। असल में ना राशिद भाई से मुलाकात नहीं थी हुई, काफ़ी वक्त हो गया था ऐसे। तो राशिद भाई को ना आप सब ने भी कमेंट में मुबारकबाद देनी है। ये राशिद भाई एक माह हो गया, नहीं माशाल्लाह 20 दिन, हाँ 20 दिन हो गया राशिद भाई को ना अल्लाह ने बेटी की नेमत से नवाजा है माशाल्लाह। तो इसलिए मुलाकात नहीं थी, ये फ़ोन पे तो बंदा मुबारक दे ही लेता है, लेकिन लाइव आके मिलना वो कोई और बात होती है, तो इसलिए राशिद भाई के पास आना पड़ा जी। ये जी खूबसूरती है इस इलाके की,
ये जो सामने गांव है इसका नाम है जी सलीमा मत्ता जी। और ये जिस जगह पे हम खड़े हैं ये कादराबाद, ये छोटा सलीमा मत्ता। और राशिद भाई के गांव का नाम है जी कादराबाद। और खूबसूरती देख लें, मरी के इलाके से काम नहीं है। ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਇੱਧਰ ਹੀ ਆਇਆ ਉੱਥੇ ਬਸ ਉੱਥੇ ਦਲ ਤੱਕ ਗਿਆ ਇੱਧਰ ਕਦੇ ਆਏ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਮੱਖੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਰਸ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਹਾਂਜੀ हाँ जी राशिद भाई ये जो स्क्रैन भाई फूल है ना जी जी शहद की मक्खी जो एक नंबर जिसको शहद बोलते हैं हाँ जी तो इस फूल का रस ले के तो शहद बनाती है। अच्छा ठीक है, अदरवाइज कोई को बंदा और कहे कि ये एक नंबर शहद है तो नहीं, हमारे इलाके में एक नंबर शहद मिलता है। इसकी पहचान यही है कि ये फूल है जो इससे अब ये चेक करें इसमें से बिल्कुल शहद जैसा रस निकलेगा माशाल्लाह। शहद की मक्खी इसको इससे रस ले के अपना शहद बनाती है जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बैकड़ बोलते हैं शायद इसे, बैकड़ या पंजाबी ज़बान में इसको बैकड़ बोलते हैं, बैकड़ का फूल। वाह जी वाह। और ये ना इस इलाके में ये वाफर मकदार में है, मैं आपको चेक करवाता हूँ। ये इस तरफ भी ये देख लें जी, जो असली शहद है ना वो शहद की मक्खी इन फूलों का रस चूस के तो वो तैयार करती है। घर की लगी हुई ताज़ी सब्ज़ियाँ, लहसुन, धनिया, साथ सब्ज़ मिर्चें, पालक, टमाटर। मंडी जाने की ज़रूरत ही नहीं जी। वैसे भी ना जो राशिद लोगों का एरिया है ना, इससे जो बरनाला शहर है वो काफ़ी दूर है, कम से कम आधा घंटा लगता है, तो इसलिए बेहतर है ना कि घर की बनी हुई सब्ज़ियाँ जो हैं वो इस्तेमाल की जाएँ। हाँ जी कंबल थोड़ा सा साइड से करो ना। ये है जी राशिद भाई की बेटी अजबा, अजबा राशिद। माशाल्लाह। अब वापसी है जी हमारी, राशिद भाई से हो गई है मुलाकात, खाना वाना खा लिया, तो अब जाना है घर। घर पहुँच के तो फिर आपसे मुलाकात होती है दोबारा इंशाल्लाह। इसी के साथ जी जो आज़ाद कश्मीर का हमारा टूर था वो ख़त्म हुआ, अभी वापस आया हूँ मैं। और टूर पे जाने के मुझे दो फ़ायदे हुए, एक तो ये राशिद भाई जो वेस्टकोट मैंने पहनी हुई ये राशिद भाई ने दी है जी मुझे गिफ्ट, और दूसरा एक गिफ्ट ये है मेरे पास, अभी इसे करना है अनबॉक्स। और जब अनबॉक्स करता हूँ तो मैं आपके साथ भी इसे शेयर करता हूँ। ये बॉक्स है जी सिंपल सा, इसे मैं करता हूँ अनबॉक्स। इसमें हैप्पी हो जाए यार, सही नॉट हैप्पी, नहीं नहीं हमारे लिए यही है जी, दो गिफ्ट मिले हैं मुझे तो आई एम सो हैप्पी। ये मेरे ख्याल में कोई कार्ड है, और दूसरी चीज़ ये कोई नोटबुक है, स्क्रीन प्रोटेक्टर हाँ जी, डाटा केबल सॉरी डाटा केबल नहीं, डाटा केबल के तौर पे भी यूज़ हो सकती है, चार्जिंग केबल है इसकी हाँ जी। और जी ये है मेन चीज़, ये वॉच स्मार्ट वॉच। इसे
आन जो है वो बाद में करूँगा मैं, फ़िलहाल ये था जी गिफ्ट। इसी के साथ आज की वीडियो का करते हैं इख्तिताम। सफ़र असल में जब वापस आए ना तो सफ़र थोड़ा सा हो गया था लंबा, रास्ते में एक दो काम भी था, तो थकावट जो है वो अब महसूस हो रही है थोड़ी थोड़ी। तो इंशाल्लाह जी नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, इस दुआ के साथ कि आप लोग जहाँ रहें खुश रहें, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें और मुझे अपनी खसूसी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।